नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। बी टाउन की बड़ी खबरें कैसे हमसे दूर रह सकती हैं? तभी तो ताज़ा खबर ये मिली कि आदित्य चोपड़ा एक बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम वॉर 2 बताया जा रहा है। इसमें सलमान का टाइगर और शाहरुख का पठान वाला लुक भी नजर आएगा। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी होगी, लेकिन कहानी में है ट्विस्ट। ये बात भी साफ कही जा रही है कि शाहरुख सलमान पर्दे पर साथ दिखेंगे, लेकिन ऋतिक से फिल्म में उन दोनों का सामना नहीं होगा। दरअसल सारा मामला है तीनों सितारों की बीती बातों का। ऋतिक रोशन की सलमान शाहरुख से लंबे समय से अनबन चल रही है। हालांकि ये सितारे इतने स्मार्ट हैं कि खुले तौर पर जाहिर नहीं करते हैं ये बातें, लेकिन इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि ये सच है। ऐसे में ये लगभग तय है कि तीनों भविष्य में एक साथ पर्दे पर नजर नहीं आने वाले हैं। शाहरुख ने ऋतिक और सलमान दोनों के साथ ही काम किया है। शाहरुख के साथ ऋतिक ने भी कभी खुशी कभी गम में काम किया था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। सूत्रों की माने तो इस बात के आसार कम है कि ऋतिक शाहरुख खान के साथ शूट करेंगे। कारण ऋतिक की शाहरुख से चली आ रही बरसों पुरानी दुश्मनी, या यूं कहें कि बहुत पहले एक पॉपुलर अवार्ड शो में सैफ अली खान और शाहरुख खान ने मिलकर ऋतिक की फिल्म कोई मिल गया का काफी उड़ाया था। इस शो में इन दोनों ने जादू का ड्रेस पहनकर स्टेज पर परफॉर्म किया था और कह रहे थे कि फिल्म का असली हीरो तो जादू है, ऋतिक तो सेकंड क्लास स्टार है। इससे ऋतिक काफी नाराज हुए थे। हालांकि ऋतिक ने पब्लिकली कभी इस बात को इजहार नहीं किया है और इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख से दूरियां बना ली। जब शाहरुख की ओम शांति ओम आई तो फिल्म के एक गाने में इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े सितारों ने शिरकत की थी, लेकिन अगर आपकी याददाश्त सुपर्ब है तो ऋतिक उसमें नजर नहीं आए थे। वही निर्देशक फराह खान ने उन्हें इस गाने में आने के लिए मनाया भी, लेकिन ऋतिक ने कहा कि वो जोधा अकबर की शूटिंग में बिजी है। सच झूठ जो भी हो, लेकिन ऋतिक को जानने वाले कहते हैं कि उस अवार्ड शो में जो भी हुआ उसके बाद ऋतिक की नज़र में शाहरुख वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। वहीं सलमान के साथ भी ऋतिक का पंगा काफ़ी पुराना है, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस बात को। ऋतिक की फिल्म आई थी गुजारिश, संजय लीला भंसाली ने फिल्म डायरेक्ट की थी और सलमान की पुरानी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय इसमें थी। सलमान ने इस फिल्म के रिलीज के समय ही एक प्रोग्राम में इशू वेस्ट फिल्मों के सवाल पर कहा था कि इसे तो कोई कुत्ता भी नहीं देखेगा। गुजारिश इच्छा मृत्यु जैसी गंभीर विषय पर बनी थी फिल्म। तब बहुत विवाद हुआ था और कहा गया था कि सलमान ने ये टिप्पणी गुजारिश पर की है। इस बात पर भंसाली और ऋतिक का बड़ा रिएक्शन भी आया था। वैसे ऋतिक की सलमान से दोस्ती नहीं थी, पर ऊपर से ये बात और बिगड़ गई। अब ऐसे में तीनों का साथ दिखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है पक्का। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।